पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां अब तक तो सियासी विद्रोह उफान मार रहा था, मगर इसी बीच पाकिस्तान की फौज में बगावत होने की खबरें सामने आने लगी। जनरल रैंक के अफसरों के इस्तीफे की खबरें सुनाई पड़ रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अचानक ही पाकिस्तान की आर्मी में दो फाड़ क्यों हो गए हैं? पाक सेना में छिड़े सिविल वॉर के मुख्य किरदार कौन कौन है और क्या होने जा रहा है, इसका अंदाजा क्या किसी को है पाकिस्तान में? उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर सैकड़ों लोगों का हुजूम, भीड़ के हाथों में लहराते पीटीआई के परचम और चारों तरफ गूंजते इमरान खान जिंदाबाद के नारे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के रावलपिंडी की, जहां 48 घंटे पहले इमरान खान ने जलसा किया। पीटीआई के इस लॉन्ग मार्च में हजारों की तादाद में भीड़ जुटी। इस रैली में वैसे तो इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन रावलपिंडी में बैठकर इमरान ने अगर किसी पर सबसे सॉलिड प्रहार किया वो थी पाकिस्तान की फौज। रावलपिंडी में इमरान ने पाकिस्तानी सेना की मजबूती की बात की, उसके खोखले हो चुके सिस्टम को दुरुस्त करने की बात की। जानते हैं क्यों? क्योंकि रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है और जल्द ही रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में एक ऐसे शख्स की ताजपोशी होने जा रही है जो इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा विरोधी है। नाम है आसिम मनी। नवंबर को आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनेंगे। इस खबर से इमरान खान के तो होश फाकता हो ही चुके थे। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सेना से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वो ये पाकिस्तान की फौज में फूट पड़ने की आशंका जताई गई है। नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से कई सीनियर खफा हो चुके हैं। दावा ये भी है कि कई जनरल जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देंगे। पाकिस्तानी फौज के कई बड़े अधिकारी भी इस्तीफा दे सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी संकट के चलते गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में जनरल रैंक के अधिकारी, कई बड़े अफसर इस्तीफा जेब में लेकर घूम रहे हैं, अपने पद को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, वो भी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजपोशी से ठीक पहले। जानते हैं वो पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसर कौन हैं जो आसिम मुनीर को अपना बॉस नहीं बनाना चाहते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला और बड़ा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। यही वो दो सीनियर जनरल हैं जिन्होंने अपने पदों को छोड़ने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये दोनों ही जनरल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी हैं। फैज हमीद तो इमरान खान के दौर में आईएसआई के चीफ थे, लेकिन इमरान खान के विदाई के बाद उन्हें आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस पोस्ट से हटा दिया था। कुछ ऐसा ही अतीत लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का रहा है। वो भी इमरान के चहेते हैं, लेकिन जनरल बाजवा और आसिम मुनीर से अदावत उन पर भारी पड़ी और 2023 अप्रैल में रिटायर होने से पहले ही उन्होंने फौज छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि इन दोनों जनरल रैंक के अफसरों के अलावा पाकिस्तानी सेना से जुड़े कई और अधिकारियों के पद छोड़ने या फिर इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में इससे जुड़े कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि शहबाज शरीफ सरकार ने 8 महीनों से जारी उठापटक के बीच आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया था। खास बात यह है कि मुनीर 27 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल से 4-स्टार रैंक पर प्रमोट करते हुए जनरल बनाया गया। इसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन देते हुए आर्मी चीफ बना दिया गया। दावा इस बात का भी किया जाता है कि ये पूरी तरह से सियासी पोस्टिंग है। इसकी वजह है आसिम मुनीर और इमरान के बीच की अदावत।
दरअसल आसिफ मुनीर पीटीआई चीफ इमरान खान के सख्त विरोधी हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर ही वो शख्स है जिसने इमरान सरकार के भ्रष्टाचारों का खुलासा किया, बुशरा बीवी से जुड़े करप्शन को बेनकाब किया। जब आईएसआई के चीफ थे, इन्होंने उनका गिफ्ट गेट स्कैंडल था, उनका बुरशा बीबी का, जो इमरान खान की वाइफ है, उसको एक्सपोज किया था। इन्होंने ये नहीं सोचा उस समय कि ये प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, जो भी है, तो बड़े साहस के साथ उन्होंने इस बात को एक्सपोज किया। इसलिए इमरान खान उनको लाइक नहीं करते हैं, तो वो और इसीलिए शायद इन्होंने इसको अपॉइंट किया, शहबाज शरीफ ने इसलिए अपॉइंट किया है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि जो प्रिंसिपल अपोनेंट हैं इसमें, जो मेन अपोनेंट है गवर्नमेंट के, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो इमरान खान और उनकी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो काफ़ी आंदोलन वगैरह भी यहाँ करा रही है, इसलिए इनको अपॉइंट किया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इमरान खान को कुर्सी से हटाने का प्लान बनी काला में सनसनीखेज थप्पड़ कांड को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आसिफ मुनीर ही था। ऐसे में आसिफ मुनीर की ताजपोशी ना हो, वो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख ना बने, इसके लिए इमरान ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी, और इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना के जनरल और अधिकारियों के इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज में बगावत की खबरें सामने आ रही है कि ये है वक्त अपनी तकदीर बदलने का। अब इमरान खान अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, पाकिस्तानी सेना और सरकार पर दबाव बना पाएंगे, ऐसा होता तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मगर हकीकत तो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की कमान एक ऐसे शख्स को मिली है जो बाजवा का शागिर्द है, बाजवा का रबर स्टैम्प जनरल है। लेकिन बाजवा इमरान खान की खींचतान में पाकिस्तानी सेना का वही हाल हो चुका है जो पाकिस्तान की सरकार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।